कूलर चाय पी ले तो आंसू पी गिनी बचुन दिल बेल सपने में अच्छा बुना छाया कि रास्ता पेटे अच्छी अब फुनी आंदा पर कोई चिट्ठी से के तुई लगनूच क्यों कभी आला कागज मार चिट्ठी जा सा छो लगो में बे चिट्ठी के कियाली साल खबर वा के की में मूल्याली सा छो लगो में बे चिट्ठी के साल खबर वा की मैं मूल्याली दाखानी उदय भी बजुरु पुड़ान इनी पट क्वासू बे कैकुनी होयान आखना धरी चो कैल पहरनियो और कब पहरन दुई बारियों गोलम बिराज छाई तीसरी भी पहरी दी ते देखो दो कि कन सोहनी लगनी चा
शोभा संजू पिते अभी लगन छ जन बोले ये शरीर पर जान नहीं रह गया यूं डांडू घास लगो लांच है ना इन लगन चा जन बोले ब्याले की बात हो अपन शरीर का ख्याल रख जब तक हाथ खोटा छी ना तब ऐसे ही जिंदगी च अगर भालते तो कुछ हुई चालो तो फिर ऐसे रह क्यों हो भौजी भैजी ठीक बना जी हमारे नजर तो तुम ही पर छे नोना कोई चिट्ठी पत्री भी है का एक चिट्ठी पत्री बोला एक जमन छा है जब हम चिट्ठी पत्र छा तो मैं नोमा पहुंच छा है और हाल देख कद का सुविधा हुई छे पर एक फोन भी तो निकाल अब क्या पता जब गांव में लोग चलता चलता पूछ देना कि नोना कन छन तो मन वो थाने बोल दें दो कि खो भी छन मन तो ही नहीं बोल दो कि ओ को खोटियों पर कांडा नहीं चुभ्या चाहे हम झाड़ों में ही रहो बोला इन लोगों जन्म ने तीर बो हाथ खोटे छुने बैठ गया वेली अब खान भी कम हो गए मिल का भी दिल छोटा निकाचा है पर इन लोगों ने भैजी घबराओ ना मिचो ना बोला मैं ये दुनिया का कोना बटे वो कोना दवाई बटे मो मदद पर मैं भौजिक बाल बाका नहीं होने दिलू तेरी की चिदैन हुए जाए रात दिन की रटन लगी रहन संगीता संगीता तून कर संगीता का सुसराज भी आप भुला अरुण खुने बोल जट गार पहुंच
तेरमा बीमार च। अच्छा भाई जी, जम तुम बोल दो, मैं बोल तक चल जोल। ये खर्चा पानी च ना भाई जी ना, सिउ रहन दियो। अरे मैं जो कुछ बिच मैं क्या जन्म दी जान, क्या भी बेटू गुणे एक मिठाई का डब्बा भी हर्च क्या कन बोला। चल पिताजी नमस्कार। मैं तैयार पिता बुनी छा बाजार बैठा है। नमस्कार बेटा, तू खूब छे? हाँ ठीक छो, माँ ठीक छे? क्या बोल बेटा, दाजी कोई चिट्ठी पत्री? कह की चिट्ठी पत्री? अरुण सुन बेटा, तेरी माँ बहुत सख्त बीमार छ रे। क्या? बस दो चार दिन मेहमान रह गया है, तुम सब सभी झट घर पहुंच रहे। पिता जी एक मिनट जरा होल्ड करें। हाँ एक मिनट, तिल भी बात करन क्या? मिल क्या बात करना, तुम ही क्या लावा? माँ केवल तबीयत खराब हुई है घर में, और मैं तो घर बुलाई हूँ। जित का तुम्हारा आनु जानु में खर्चा हुआ लो, उसका रुपया भेज दिया। मैं तो रुपया बचानु सोचनु छा, पर तुम्हारी माती तो दैजिक भी फोन हुई छे, भले बर तू ही जाले घर में। अर्जु सास उजिल पूछ आले कि लियो छे तुम्हार काकी, तो क्या जवाब दियाला? अरे भेजिल भी तो सब जिम्मेदारी पर मुंड पर धो लेले। तो तुम भी सह फोन दूरा खर्चर क्या देवा, देखो बयाना बंद बोल दियावा कि मेरा प्रमोशन होनो छे और छुट्टी नहीं मिलनी। पर झूठ बोलने का ठीक रहा लो। झूठ क्या बोलना, अरे भगवान चालू तो कभी ना कभी तो हाल ना प्रमोशन है। पिताजी जी, ले लग गया ठोकर, सुने सब पिताजी। तुम्हारी किस्मत में तो सदन ही ठोकर लिखी है। साहब बैठा, मैंने आप थे पहचान नहीं भाई, और उन भी आप बैठे पर आना छो। पर एक बात च, मेरी पी नहीं जा, अरे मुझको तो पिलाई गई है। जो है तुम ईद का अकेले पहनो? अरे उनसे पूछो जो बनाते लोग बनाते, अरे हम पीते है? अरे उन भी ये तो बिल्कुल पानी जन लगता है। अरे ये तो हमारा असली जिन है, असली जिन। बहुत बुरी बात है। खैर छोड़ा, आप इन बतावा कनवा पहनो आज।
संगीता नहीं दिखानी जी आने जा बार बुरी बाण लेख आज जरूर कोई खुशखबरी बन जाए बच्चा बेटी चाचा जी बोला कनाड़ू आई मेरे तो बेटी घबराने कोई बात नहीं जी सब ठीक ठाक छे पर तेरी माँ सख्त बीमार छे भैजी कोई सहारो नहीं छे तू झड़कार चल ताकि दुई गप्प पके अपनी माँ का गालम डाल छे चल तो छो है अच्छा नहीं मैं जानू छो मस्तकत बीमार छे तू तो निछे बीमार है तू एक किले होनी चिंता वही बुढ़ी को ना बाहर निचन क्या तू क्यों किन्नो ग्रहण छे बिल्कुल नहीं जान सिन किले बोलना छो मेरे भाई बराबर कहन हो सिचन अपनी कुटुंबदारी पालना ज्यादा भय वाले नहीं पड़ता सुनया तिन सिन ना बोला नहीं मिलन वालों तो टाइम नहीं जान बिल्कुल नहीं जान कत्ते नहीं जान हाँ एक शर्त पर जा सकता अगर बुढ़े जी थोड़ा बहुत मदद कह दें ता फुंड जान दी बुढ़ी थे आखिरी दफा देख ला पर दिखने की फीस थोड़ा बहुत मदद बोल दिली वचन दीदी मां वचन तू मन दी छना मिते और आज आज तो नीमा वचन मांगड़ो छो सोच ली भगवान वेदी का वे हवन कुंड मा मिखिल ने झुकेगे वाली आज कंचा वाट में खड़ो छो जयमाल खोखी बैठी जंदी क्या सोचनी वाली मैं आण छो मां जी कुछ नहीं हो मैं आण छो चाह बने एक ग्लास बोल मैं चिन्नी च अरे ये त्यार जवाब च अरे दुकानदार मोर गिन क्या जब कोई घर में ही नहीं रहा ले तो क्या कंचन चोड़ कह रही कौन गोंते ऐसी एक जाल जो घूमड़ो देल देल जो माँ चाय पिंड सीख जाल तो वे तो गोरा चाय में क्या स्वाद आ रहा ना कि यक्कर ना को आग लगाई ग्रस्ती पर कद कपड़ी ग्रस्ती हुई थी ना बहुत ज्यादा किल किल कल कल हुई ना जैक निरह सकड़ी वाली ग्रस्ती में तू अपार धरी चो खाना खेले वा अभी तो फिर मक्के चाय पिए ना खोर तो पोड़ के अरे हमेशा दिखा चिंता रा काचर उठला अरे भुजी एक तरफ पानी एक तरफ सिद्ध का ज्यादा स्वाद खाना बने अच्छा ना तो वह खिजे ले आवा जक सौत खाना में न चो तू चल ना एक बजे हाँ हाँ मैं तो चल चल पर तुम्हारी सिक्के रह गई घुस घुस बेजी खूब छा बाजी खूब छा कोई मुखड़ी में गोरी डला अच्छा ब्राह्मण चल सारे ज्यादा बोली ना ये किच्ची रिक रख दूँ किच्ची रिक
अरे हाथ तो अरे चोटी पकड़ एक सारा चोबटम धर दो चोबटम और तुम खा रही क्या था दिल जाए क्या था सीक्रम चले की हाल नहीं होंदा ना तो तेरे हाल ही नहीं रहता त्यार आन से ही घर बेहाला रह गया बेहाला बेहाला हमेशा मैं पर ही दोषदार तुम्हारे कभी कोई दोष नहीं रहा अपनी जीत मैं दोषी रहा हमेशा बाबा जी जरा मेरा हाथ दिखे ना मिन क्या हाथ देखना भक्तियान मनिक अपनी हाथ से बहुत कुछ संभाल दो और बहुत कुछ उजड़ दो मैं एक ते लोग अबंडी बोल दन क्या दुनिया का सारा बदनामी मेरी हाथों में लिखी अगर लिखियो भी नहीं वहा तो मनिक खुद ही लिख दिन तू बोल कि त्यारा दिखान कदगा दुखी छिन और कदगा सुखी म्यार दिखा तो सब सुखी छन बस नी दुखी छो और जब तू सुखी रहली तो सभी उठे दुखी देखिल है ना मैं तो कैसे कोई शिकायत नहीं छ पर मैं जान चांदू के म्यार भाग्य में से दनी नी गाणी राली के म्यार भाग्य में भी कभी कोई डाली छाली होली देख भक्तियां मोह माया त्याग एक दूसरा भलु सोच या मैं त्यार भलु छु जो कुछ ई दुनिया में भोगण न तिल कह के दगड़ जाऊं न कह त्यार दगड़ जाऊं तक लगे सुन जय खैरालिंग महादेव जय खैरालिंग महादेव जय खैरालिंग महादेव जय खैरालिंग महादेव कर्म का बीज बुत दीजा भलु को लगे तू जो पाप का जिल का जमण न दे फिर त्यारु लूभु फिर त्यारु लूभु सुना मेरी साड़ नहीं छिन परसों शादी में ये साड़ी कन लगा ली साड़ी तिल पहननी है कि मिल पहनन तुम तैश लगनी छे तो तुम ही पहन लिया और तब लग लिया चाची 420 तू बने ना चढ़ाई कर हां फालतू नहीं बोला कर तुम बुलन के चलिया अरे इतने साड़ी ले तो आप खड़े की के एक धोती मांगने नहीं ले सकी सास जिनके साड़ी कमी छे ससुर जी एक बिंडी ले होली कुछ दिलक बात बूंदी अरे हाँ बुलिक भी आज अरे एक गांड भी बना अब बेइज्जती नहीं करे आओ उन 10,000 रुपए भी देने पर यार पैसों जुगाड़ तो होने लगे हो मैं कुछ नहीं जान दू उनका पैसे दे दिया अब बेइज्जती नहीं करे आ बिना अभी लग दो कि हम फसद धसद जाना छो
मैं और क्या भरोसो इन लगनो चा कि ये सांसिक लड़ जन बोले टूटन वाली चा जिंदगी कोई भरोसो नहीं चा। ये जन्म मत कोई सुख नहीं पाई पर माँ तू तो चिंता क्यों छे करनी तू तो कुछ नहीं ले सकतू मिछो ना बहन भोज भी नहीं पहुंच सक पर आज भूला जाला आज सुबह ककले भी धुर पल्ले में बस मुछा वो नहीं आंदा पर मेरा भी क्या कर्म करे रहा वाला जो मी गति में भी थनी देख सके संजू बाबा अरुण अरविंद तुम लपड़ पिता दगड़ कन दुश्मनी मोल ले दिया संगीता बेटी अपड़ पिता ख्याल राखी मैं थे लगन चुकी अब ना मना देखा जी इधर साल बैठे मैं अपना ससुराल आनो छो पर आज तक कोई इज्जत नहीं वहां मेरी पर आज आपके खातेदार देखी कि मेरा दिल खुश हो गया कसम से बहुत खुश हो गया आवत जावत प्यावत सिरी फटी और रान यू सब मिथ्या भरम भुला जय सम दिन सम्मान जय सम दिन सम्मान राजी रह मेरी लाडी तेरा खोटा काना नहीं बैठा तो मेरी बद्रीनाथ निकली बोली बोला कि बैठल पराया हुंदी पर पराया नहीं हुंदा वो तो अपना हुंदी माँ तू चिंता ना कर तू ठीक वे जाली कुछ नहीं हुंदु अब ते सार दे माँ भैजी बोल तक जरूर रह जाला बरसों तक सारा पर लगे रहे अभी तक तो नहीं आया बरसों से सारा पर लगे छो कोई नहीं आई मेरा गांव में बैठे जा तुम गुण हाथ जोड़े जी मेरी संगीता ने कभी दुख नहीं दिया बेटा तुम ही मेरा तीरथ छो तुम ही मेरा संजू छो ये कभी दुख नहीं दिया सदा साई थे रावण की बिनी रही जय की सोने की लंका छे बस बेटा मेरी संगीता थे कभी दुख नहीं दिया
नहीं था सब बस खुश रखे तो संजू का पिता ही धोखा नहीं दे सकती शोभा तुम इतना धोखा नहीं दे सकती दिल में हर तक छोड़िया इतना जल्दी चल जाए तो मैं स्वास्थ्य भी नहीं चाहू शोभा मैं स्वास्थ्य भी नहीं चाहू कहीं ये गुलास कह गई तुम्हें गुणा अदा अदा रात में डराना राला ये बांझा कूड़ों का कंका तो कह का सारा भरवान में सोभा कह का सारा भरवान में जय खैरालिंग महादेव 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 आओ बाबा जी बैठा खानु खजाओ ना भगत ना तू के खवेली में थे जैन खानु छाई वेन तो खाई नहीं छू म्यार खयान क्यों हूं अब कह का सारा रहन सब कुछ लुट गई चिंता नहीं कर भगत ये डांडा ये कांठा तू दगड़ बचा ला ये भ्याल और सैनों में बस यहां देवता तू दया कला गोर जब राम ला तो तु थे याद कर ला डाल में जब कागा बसलू तो इन न सोची कि कोई त्यारा घर आनु छ इन सोची कि शोभा तु देखनी छ तेरी रक्षा करनी छ नौ न पारे दो दिन खुना कह रहे हैं जिन बोल चल जान हूँ तो ये दिनों को भिमड़ बस भिमड़ ना तमसु चियो तमसु जेल 10 दिन पहल आनु छे वो 10 दिन बाद मानु छे बस ये फर्क बरना में मोल ले लें जय खैरालिंग महादेव जय खैरालिंग महादेव जय खैरालिंग महादेव जय खैरालिंग महादेव
अरुण आप पिताजी या खुलपोड़ गए या कैदा कर रहे हैं भाई जी। अम्मी क्या बोल सकूं अब दगड़ते ले जान चैन ना भोल हम घर होला तो कह देना हम तो भीतर एक राती कुने कहीं आप हता गया मिता तो लगनो चाहिए कि ना हम यक जुगा ना वक जुगा अब अगर नहीं तो सोचो नहीं पड़ो ना भैजी अरे अखनी कह दिया है आज एक सोच इन कह रही कि तू पिताजी था पर दगड़ ली जा छह महीने तक तू पाल और छह महीने तक मैं पाल अब तुम ही बताओ भाई साहब दुई कमरा एक किचन एक कमरा बच्चू खन पड़े खन चैन फिर वे का बाद आजकल बच्चों का पेपर चलना छन यार पास रविका छ इनकला कि पिताजी तो घर ही रंधी लो अरे बारी बारी के गाना रूल देखो पर यो भी ठीक नहीं हो भैजी अरे दुनिया देख ली तो क्या बोले ली अरे बड़ी इज्जतदार बनी छे वो दिन जे दिन तू जनन थे लेक परदेश गए वो दिन कक छाते इज्जत पर कानून क्या छे इन समझ ये बात एक हमारा खत्म हो गया जी भी बोला पर आजकल मेरी हालत बहुत खराब छे शकुन करजवान आजकल मिथे तंग करना छे तुम इनकारा पिताजी तक घर ही रहने दो ठीक छे चल भीतर चल बोला सोवा की बहुत याद आंद भोगती सवार चिगे अब ते भीतर भी कटना कुण हांद है जी कब तक रह लाई नहीं क्या कमी ची तुम्मा स्याच पूरी कुटुंब दरी तो क्या सोचित रामचंद्रा जो सुख में सोवल द्याओल क्या वो सुख म्यारा नौना बार दे सकती ना क्या बोला लिया चौक तिबरी गुठियार बोला लिया छोड़ गए हैं हम थे बंगलौर मल से जमना कुने पुरानों की बड़ाई कूड़ी वो धरपो काल पस काल रूनी राली पितरु बड़ाई कूड़ी तरसनी राली सोबा बोला ली कि संजू बाबा कन छोड़ियो तुम यूं कूड़ी पुंगड़ियो थे हैं आखिर क्या बिगाड़ छाई हो तुम और भैया जी मेरी माना तुम नोनो दगड़ चल जा मिछो अपने संभल लो एक टी दिशा में यार दुनिया कोच हो रही कह कम नजर च मेरी पर एक बात चल रामचंद्रा मिली है धरती नहीं छोड़नी कत्ता ही नहीं छोड़नी मिली है धरती पिताजी चना मी दगड़ यक तुम तक को देख लो म्यारा पितर और कैसे देखना जब तक जीव मजीव बचूं तब तक बचनी पड़ो ना सिंह डांड कांठे देखी थी कद का जमना बटे घान पानी सहनी छिन मैं भी सह लूं संगीता ठीक बोली छ आप हम तगर चला अब ऐते मिल के बोलन पर पहल बोल छाया कि बेटी घर पान तनी पीन छाया न बाबना मैं नहीं आ सकतु कु तुम ते पैके के देलु कु नवाल दवालु भय बस सभी परदेश वाला वेगिन अब मेरी से किस्मत इन्हें ची मैं त्याग दुख पता चो मैंने जान दो कि हमल तेरे घर नियानी कर अर्थो
हमर न्याय कनी छे भगवान तुई दगर न्याय करियो। आप चिंता नहीं करा, संगीता की हालत कसरवार तुम ही छो। मैं जान दू छो कि माँ बाबा को दुख कदगा हूं, मैं आपसे वादा कर दू कि आज बटे की इंथे कोई दुख नहीं पहुंचो। अच्छा तुम्हें जान छो। जमीर लाड़ी ये पहाड़ में तो साक्षात लक्ष्मी छे, साक्षात दुर्गा छे, तिलु छे, रामी पुराणी छे। बोल दी बल जल सिर दे वेल सिर दे, तू चिंता नहीं कर, भगत को भगत आंदा जांदा रहे, ये प्राण सशांदा रहे मेरे को, ये प्राण सशांदा रहे। चुओ दी वो
मणी सकी तिरणी भी गिचीनी छुओंदी घोड़ी तेरी धोलिया रामणी रेंदी छोड़ी गए कन तू घोड़ी दुधार नमस्कार नमस्कार क्या मैं भीतर रह सकता हूँ आओ आपो शुभ नाम मैं रिटायर्ड सुबेदार अजीत राम मैं आप एक सेवा कर सकूँ मेरी एक दरख्वास्त साहब आप ये जो काम करना चाहना चाहो ये आप अपनी स्वेच्छा से करना चाहें जी आप पर कोई दबाव तो नहीं ये तो बड़ी खुशी बात है कि आप जो लोग जो इनकाम कर दें लायक में दस्तक कर दें और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया।
आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तरांचल सरकार द्वारा घोषणा की गई कि संजोली गांव के पास जितनी भी बंजर जमीन है उसे समतल कर एक सुंदर हेलिपैड बनाया जाएगा, जिसे विकसित कर पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटकों को आकर्षित हवाई अड्डे का रूप लेगा। साथ ही जिसमें दूर पहाड़ों पर अचानक बीमार लोगों को चिकित्सा हेतु दूरस्थ स्थान ले जाने में सुविधा भी होगी। अधिकृत की गई जमीन के वारिसों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। हेलो हेलो भाई साहब, नमस्कार। मैं अरुण चौधरी, दिल्ली भटे बनू। हाँ बोल अरुण। भाई साहब आपने खबर भी सुन? क्या सरे ता उतना और केरोली में हवाई अड्डा बनू वहां का पिता 1000 रुपए भी मिलना छे। अच्छा नी भी तो 1,00,000-10,00,000 तो वाला ही। अच्छा अरे बोला पिताजी घर में केला छी और कागज पत्र विकेल चलनी तू इन कह रहे पारू घर चलना तैयार कर। ठीक छे। अच्छा ठीक छे। अच्छा हेलो। हाँ अरविंद, मैं संजू बोलू छू। हाँ भाई जी नमस्कार। नमस्कार। तिल वो खबर भी सुना हुआ है? हाँ भाई जी मैंने सुनी हाल। मैं भी आने से घर। ठीक जी। अच्छा जल्दी से घर पहुंच। ठीक जी। ओके भाई। पिताजी अजीत राम जी आप ही छन? जी बिछो। नमस्कार बैठा। संगीता देवी कोच जी मिछो। पिताजी इकले पूछना छे मी ते डर लगनी छे। ना सिन बात नहीं छे, ये तो बहुत खुशी बात छे के मी पैर सको सुधर सब। जरूर। उत्तरांचल प्रशासन की ओर से संगीता देवी पुत्री श्री अजीत राम, जिसके नाम अजीत राम ने अपनी जमीन की चौथाई जमीन का हकदार बनाया है, उसी जमीन को संयोगवश सरकार द्वारा अधिग्रहण कर संगीता को मुआवजे के रूप में बंजर जमीन का 10,00,000 रुपया दिया जाता है। जिसको वह कभी भी जिला सहकारी बैंक से प्राप्त कर सकती है। चाचा जी पिताजी ने क्या कर दिया है? बेटा ये तेरे सेवा को इनाम छे। संगीता देवी यही चिट चली जा। जा। अच्छा सुखदार साहब मैं चलता हूँ। बैठा एक कप चाय पी जा। ना मैं थोड़ा जल्दी मुझे छिड़का दू। पिताजी यो के कार तो मुन भाई बहनों में झगड़ा करा यार। अरे भूल जो अपर अपर हिस्सा मांग ले।
जनजा हिस्सा क्यों होता कोहू नहीं सदार हिस्सेदार हुए खून बोलते जपड़े किस्सा संभाल सको कारिच का भी जिगर कि म्यार पांठा रोज पूरी कक्ष जैन पूरी माच मलसो जमीच मलसो सोच त्यार बांटा को भीतर जयभराज मूसा को उड़ियार बनाया जन काल बस काल जब चून पर लगी रहन्त दाक्ष कभी गदना किनारों की शियारों की रोज पीज पुंगड़ी जो पुंगड़ी आज पांच वीच और वो पुंगड़ी रोए रोए की बोलद कि खूब बेजती सहन छो मैं तुम्हारी कभी मैं रोज पीज पुंगड़ी का बान मन की आपस में लड़दा चाहे लड़दा लेकिन आज आज क्या हालत होनी चाहिए वही रोज बीजी पूड़ी की गात पर चसक होनी चसक नहीं जन्नी बुढ़ापा को पैर बढ़ा दूंगा जन्नी बुढ़ापा को आखिर रोजगार तक नीचे पुटुक तो पल्ले नहीं पाड़ो लो कख जा खबरदार जो तुझे तो एक शब्द भी बोल नौकरी क्या तुम ही करना चाहो मिलने कार नौकरी 32 वर्ष तक जगह जगह डबुन रोमे पर जो यकी टंगू रेंच है यकी रेंच है प्राण बचा साल दुई साल मा जब दुई एक महीना छुट्टी आंच है तीन लगो छह जनवरी अलौकिक दुनिया में आगे हो तुम्ही उड़ना छो चुन्नी का बत हो मा मिलनी भोगी चुनी मी याच जब मैंने यो खड़े बोल छायो कि चल तू ये कश्मीर घुमा के लौन कितना सहजता से बोल दिया छा मीन कि पोका पोट कथ लगे आचो देवताओं की धरती चिया ये गाड़ गदना मीखुने की तीर छिन ये मीखुने कश्मीर छिन तुम अपन रोजगार संभाला और मी थाती संभालो करीम भगवान छे वा क्या दिन चाहे वो भी मुझे भी कल हो चाहे और आज दोहर बार ढूंढ रहे उड़ जाओ छो तुम ये गोल बटे हुए गोल क्या कमी चाहिए पहाड़ मा जरा पूछा अपना पुराना था जब कोर द्वार दुगट पटे ढांकरी बड़ी आंचा है और आज अरे आज तुम्हारी दिली मा मोट रह गया मोटर पर तुम्हारी खुट्टी नहीं टिकनी चाहिए तिबारी मा पिताजी ज्यादा गुस्सा ना हुआ ये सब गलती मेरी जी झगड़े की जड़ में जो भी तो माफ कर ना बाबा ना आज रोकने में था बंदे आज सारा कुटुंब तो इकट्ठा हुई छुई लगाना जो बनो उसमें हर बंदे में था तुम्हारी एक ही जिद पकड़ी रहा कि हमने बच्चा पढ़ाना है जरा यादगार हो मन क्यों जो पार्टी बोल के देख भाई एक धार बटा है धार पढ़ना पढ़ना जान चाहे और आज आज विद्यालय विश्वविद्यालय खुले आंचे ये पहाड़ मा क्या कमी चेक क्यारों की आग मा रास्ता हिटता छाया जबकि आज गांव गांव में बिजली की हरी बंडना पर चरस पर कनु कहल छी कहल कनाए सब की उंदो जाना जिद पकड़ी छोड़ दिया रे जिद छोड़ दिया
मित बोधु कि जन्मी तुम्हारा बगैर टपराणो छो इन तुम गुणा नहीं हुई आ वा तुम मी जन टपरे लस मेरी आत्मा ते कख शांति मिले मिचांदु जो मी पर बितनी हुआ तुम पर नि बीत रहे तुम पर नि बीत ये वार्ता छोड़ दिया हो जित यूं पाटा घाटों ते त्यागा देखा यूं पाटा घाटों ते देखा यूं पाटा घाटों ते Please.